So hey guys, welcome back to my channel. So as I wrote on the title, this video is a haul. So obviously आपको पता चल गया होगा मेरी शक्ल से, मेरी खुशी से कि ये हॉल है, क्लोथिंग हॉल है, क्लोथिंग और ज्वेलरी हॉल. सो आई एम सो हैप्पी बिकॉज क्लोथ्स मेक मी हैप्पी. सो एज यू रीड फ्रॉम द थंबनेल या फिर टाइटल से ही कि ये है बॉन्कर्स और H&M का हॉल. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो लेट मी स्टॉप यू राइट देयर. जिस टाइम मेरी रेगुलर वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मेरा पिछला हॉल था एक बॉन्कर्स का, वो इसी का पार्ट वन था और उसमें बहुत वीडियो लंबी हो गई थी तो मेरे को पार्ट टू बनाना पड़ा H&M का अलग से. सो आपको पता ना हो तो इसके लिए बॉन्कर्स कहीं भी सुनाए थे तो सॉरी, बट ये पार्ट टू है तो एंजॉय, वो भी देख लेना. बाय बाय बाय. लेट्स मूव ऑन टू H&M क्योंकि इसमें मेरे पास ज्यादा आइटम्स नहीं है, कम ही है, मतलब बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है. सो या पहले क्लोथिंग से स्टार्ट करें या ज्वेलरी से? तो फर्स्ट है भाई फेवरेट, बहुत सुंदर क्यूट है ये है, जो जिसको पता है ना कि H&M ने उनसे वो कोलैब करा था ना, तो उसमें थी ये काफी अच्छी. सो ये है टॉप, क्रॉप टॉप, एक्स्ट्रा क्रॉप टॉप क्योंकि ये बहुत क्रॉप है, बिल्कुल ऊपर तक ही है. और इसकी स्लीव्स, मेरे को ऐसी ना हमेशा से स्लीव चाहिए कि जिसमें वो ऐसे अंगूठा डाल के वो यहाँ पे कूलो, आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा पूरा. मैं ट्राई ऑन में भी ऐसी खुश थी बिल्कुल उसको दिखाती. तो ये टॉप था और इस पे ऐसे वो दिया हुआ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक गमी मटेरियल, गमी बट एक समझ ही गए होगे आप, ऐसे खिलौना मटेरियल है और हटने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हट जाएगा, तो ऐसा है तो बिल्कुल टाइट वो है अटैच्ड. और इसमें है मेरा साइज, हाँ नो फियर H&M यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नो फियर H&M. सो इसका प्राइस है 1300 और ये है साइज XS और मेरे को परफेक्ट फिटिंग में है एक्सेस भी, जबकि मेरे को एस साइज आता है लेकिन एक्सेस भी मेरे को परफेक्ट फिटिंग में है. अगर आपको ज़्यादा शॉर्ट लगे तो आप एक बारी एस भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता आ जाए. मैं सोच रही थी क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा ये, मेरे को पता है इतना कि बार बार ही नीचे करना पड़ेगा ये, बट फिर भी कोई बात ही सुंदर है तो आई वोंट माइंड नीचे करना. सो नेक्स्ट है मेरे पास वाइट पैंट्स. मैंने ना, मेरे को हमेशा से सदियों से अपनी वाइट पैंट्स चाहिए थी, मेरे पास क्रीम थी, ब्लैक थी, ब्लू थी, बस वाइट नहीं थी. और मैंने जिस टाइम पे वाइट पैंट्स ली थी ना, उस टाइम पे मैंने ना धोने में लगा दी थी और वो बाहर आई बिल्कुल रंगीली होके, क्योंकि और कपड़ों के साथ लगा दी थी. सो मेरी सैड स्टोरी थी मेरी और मेरी वाइट जीन्स की सैड स्टोरी. और मुझे वाइट जीन्स ना हमेशा से स्किनी चाहिए थी, मतलब अब मुझे पता है स्किनी का ट्रेंड नहीं है बट मुझे पसंद है स्किनी, तो मेरे को स्किनी ही लेनी थी, मतलब स्किनी ही चाहिए थी मुझको. सो ये थी मेरे पास वाइट पैंट्स, जो आपके आपको ट्राई ऑन में ही समझ आएगी. हाई वेस्टेड है ये काफी ज्यादा और इसका प्राइस था 1500 और ये है साइज 32 यूरो. लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, हाँ इसका साइज ही 32 है, यूरो 32. और ये मेरे हिसाब से साइट पे अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी. और नो फियर वाला भी साइट पे अवेलेबल नहीं है, आपको स्टोर पे ही दिखेगा, जो कि गलत चीज है क्योंकि स्टोर पे जो नहीं जा सकता वो कहाँ से लेगा, है ना. बट मैं ट्राई करूंगी कि अगर अवेलेबल हो गई तो मैं लिंक दे दूंगी इनका, क्योंकि मेरे को इतना पता है H&M से अलग अलग लिंक्स निकल जाते हैं, तो मैं इनका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे मिलता है तो. सो नेक्स्ट इज दीदी की पैंट्स, जो कि है ये बहुत सुंदर. जब दीदी ने ये ली ना घर आके, जब दीदी ने ट्राई नहीं करी बट मैंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा तो मुझे इतनी सुंदर लगी ना, मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मुझे भी ले लेनी चाहिए थी. बट फिर उस टाइम मैंने कहा छोड़ो अब तो आ गई ना, तो फिर मैंने कहा कि अगली बार ही ले लूंगी. बट ये है बेज कलर में, बोट कट है, हाँ बोट कट ही कहते हैं ना, फ्लेयर बोट कट दोनों कहते हैं इसको. तो ये ऐसी आपको फिटिंग में दिख जाएगी दीदी की पहनी हुई ट्राई ऑन में, तो ये काफी अच्छा है. इसका फैब्रिक काफी वो है, वो नहीं होता हौजरी वाला, लेकिन अच्छा है, स्ट्रेचेबल काफी. और ये साइज है एक्सेस और ये है 1300 की. यस, सो ये भी काफी अच्छी है, मैं भी इसमें ले लूंगी यार क्योंकि बहुत अच्छी है ये. और आपको पता ही है कि मैं न्यूट्रल से ऑब्सेस्ड हूँ, सबको ही पता है तो, है ना, जो जो वीडियोस देखता है मेरे ध्यान से, कि मैं न्यूट्रल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा. सो नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट्स. सो ये वाइट रिब्ड में शॉर्ट्स, ज्यादा रिब्ड नहीं है लेकिन नीचे से वो एक रिब्ड लुक है पूरी. और ये है साइज 36 जो कि थोड़ी सी लूज है, बट इसमें मेरा साइज अवेलेबल नहीं था तो मैंने कहा कि 36 ही ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत सुंदर थी. और इसका प्राइस है 1300 क्योंकि ये रिब्ड है ना, जस्ट बिकॉज इसलिए क्यूट. सो नेक्स्ट है हमारे पास ये ब्लैक शॉर्ट्स,
जो कि है साइज 32। ये मेरा ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल क्या है मैंने पाला है, बट ये मेरा साइज है तो H&M के उसमें। और ये थी 799 की, और हाई वेस्ट है ये भी ओवरऑल ना, बिल्कुल हाई वेस्ट, नॉट से नॉर्मल तड़का लग रहा है यहाँ पे। आई हैव एन आइडिया। अब ठीक है, हमारी लास्ट आइटम H&M की क्लोथिंग में ये थी। सो बस इतनी क्लोथिंग आइटम्स थी मेरे पास, पांच। बट अब है ज्वेलरी, एक्साइटिंग है ना। सो पहले तो पैक्स से स्टार्ट कर दीजिए, पैक्स दिखाना इजी होगा है ना। तो पैक्स में मेरे पास है फर्स्ट ये 3 pieces ऑफ नेक पीस, इस पे आप देख सकते हो। पहला नेक पीस ये है थोड़ा पिंकिश में, ये मोतीज के साथ, मोतीज तो नहीं है ऑब्वियसली बट जो भी है ये उसके साथ। और फिर ये है क्यूड़ी सा, और फिर ये है क्यूड़ी सा। सो ये तीन थे 799 के, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। और मैंने आपको हमेशा यही सजेस्ट करा कि ज्वेलरी हमेशा आपको एक अच्छे ब्रांड की लेनी चाहिए, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, और मतलब अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए बेसिकली आपको ज्वेलरी। सॉरी फॉर द शोर, बिकॉज यहाँ पे शोर ही होता रहता है, शोर शोर। हाँ तो, और ये तीनों अलग अलग है, कहीं ये ना समझ लो आपकी तीनों साथ में ही है, तीनों अलग अलग है। और हाँ बेसिकली यही कि ये काफ़ी अच्छी है, और ज्वेलरी हमेशा अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। और ये ना आपको यहाँ पे कैमरे में वो दिख रहे होंगे वाइट, बट ये बेबी पिंक कलर में, आपको यहाँ से थोड़ा शेड दिखाती हूँ, है ना, समझ ही रहे होंगे आप तो समझदार। सो नेक्स्ट है हमारे पास एयरिंग का ये सेट, जो कि है बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसमें ना एक मम्मा पहन गई क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर था। इसमें स्क्वायर में वो ऐसे था, बिल्कुल ऐसे स्क्वायर में, काफी बोल्ड सा, मतलब बहुत सुंदर सा। मैं उसकी अगर मेरे पे क्लिप हुई ना, मतलब मैं क्लिप इंसर्ट करने का ट्राई करूंगी। तो इसमें है 6 earrings, 6, 1, 2, 3 है, इसमें 6 earrings का सेट, और ये है 1300 की, जो कि अच्छा रहता है क्योंकि अभी मैंने यही पहना हुआ है। इवन ये भी H&M के ही है, और मैं हमेशा, हम यहीं से ही ट्राई करते हैं इयरिंग्स वगैरह लेने का, ज्वेलरी सारी लेने का, क्योंकि इनकी ज्वेलरी कभी भी धोखा नहीं देती। यू गेट द आइडिया राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक पीसेस, नेक पीसेस तो बहुत सारे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ मैंने अभी वन वियर करा हुआ है, जो कि है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो ये जो 3 layers है, इसमें 3 layers है, इसलिए काफी एक्सपेंसिव था, और ये 1300 का था, जो कि काफी एक्सपेंसिव है एक नेक पीस के हिसाब से। तो आई एग्री, बट वही है कि वर्सेटाइल है, कभी भी वो नहीं होगा, तो इसलिए। तो फर्स्ट था हमारा ये नेक पीस, सेकेंड है हमारे पास टू लेयर वाला। और मैं सारे खोल चुकी हूँ क्योंकि मुझे वो करने थे, वो ऑर्गेनाइज करने थे, जो कि आपने मेरे हॉल में देखा होगा, जो मेरा हॉल देखने वाला, हॉल में देखा होगा, व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपनी ज्वेलरी वो कर रही थी ऑर्गेनाइज, तो उसमें मैंने ऑर्गेनाइज करे थे ये, क्योंकि मेरे को ऑर्गेनाइज करने थे, क्या बोलती हूँ मैं। सो सेकेंड है हमारे पास ये 2 layer वाला, जिसमें कि एक आपको ऐसे ये वो दिखेगी डॉटसी, और फिर एक आपको वो दिखेगा नगसा। सो ये था 999 का, हाँ क्योंकि वही 2 layers है और इसमें 3 थी तो। और ये इसकी ना, ये जो ये वाली एक चेन है, इसकी काफ़ी ऐसी मुड़ी मुड़ी है, तो जो कि अच्छी लगती है काफ़ी, और एक बिल्कुल प्लेन है। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो नेक्स्ट है हमारे पास, जो कि मैंने अपने उसमें भी दिखाया था कि 10 products गर्ल शुड हैव, उसमें एक डेंटिसन मैंने वो नेक पीस मेंशन करा था, तो मैंने बोला था कि इट्स अ पार्ट ऑफ हॉल। सो ये भी मैं अभी दिखाऊंगी कि ये है क्यूड़ी इन्फिनिटी साइन में, दिख क्यों नहीं रहा यार ये, हाँ तो ये है ऐसा कुछ बहुत प्रिटी सा। तो ये ना हमने 2 लिए थे दीदी मैंने इन्फिनिटी के, क्योंकि हम दोनों को ट्रेनिंग करनी थी ऐसे इन्फिनिटी टू बियॉन्ड ऐसा कुछ, यू नो। तो ये था काफ़ी अच्छा, और ये था 799 के, तो क्यूट ही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सुंदर, सुंदर तो नहीं कह सकते ये ना, बहुत प्रिटी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी दीदी मैंने सेम लिया था क्योंकि बहुत सुंदर थे, और ये ना डेली वेयर टाइप में आ जाते हैं, ये ना डेली वेयर। An eternity later. ये ना बहुत डेली वेयर टाइप में आ जाते हैं, और इसमें ना ऐसे दिखाती हूँ पूरा, इसकी चेन कुछ ऐसी सी है, बिल्कुल ऐसी सी,
ठीक है, और इसमें बहुत प्रिटी सा ऐसा ये वो है, स्टोन समझ लो, स्टोन ही है वैसे तो ये। हाँ बिल्कुल पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक, वाइट पिंक ऐसे, बिल्कुल बेबी पिंक सा स्टोन है इसमें, रोज पिंक, रोज पिंक, यस दिख रहा होगा आपको वैसे तो शायद, बट अगर मैं क्लोजअप ऐड कर पाऊंगी तो मैं क्लोजअप ऐड कर दूंगी। और इसका लॉक ना काफ़ी अच्छा है, इसका ये लॉक बिल्कुल यूनिक सा है, जैसे बाकी तो दूसरे होते हैं ना, बट इसका लॉक यूनिक है बहुत। तो ये भी हमने दो लिए थे क्योंकि दीदी मेरे को दोनों को बहुत पसंद था ये वाला, सामने का दो ही ले लेते। सो ये 799 का ही था ये भी। सो या सो लास्ट है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट, पूरे हॉल की लास्ट, पूरे हॉल की लास्ट। तो पूरे हॉल की लास्ट है हमारे पास ये रिंग्स, जो कि है साइज एक्सेस में। रिंग्स में भी साइज होता है वैसे तो सबको, अगर किसी किसी को नहीं पता, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कि रिंग्स में भी साइज होता है, ये तो मैंने देखा, मैं कहा साइज होता है, तो अब मुझे पता चल गया कि रिंग्स में भी मेरा साइज एक्सेस है। तो ये है ऐसी रिंग्स, बहुत सुंदर सी डेंटी क्यूडी ऐसे, मतलब डेली वेयर वाली है ये, बिल्कुल भी ना डेली वेयर तो नहीं, बट ऐसे कहीं जा रहे हो तो आपको अपनी आउटफिट में बहुत एफर्ट्स लगाने हो तो उसके हिसाब से ही काफी अच्छी है। तो यस ये वाली बहुत प्रिटी है, इसमें जो ऐसे बिल्कुल व्हाइट में ना मार्बल में। तो इसका प्राइस था 400, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि इसमें कितनी रिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7, बहन 7 को 400 से डिवाइड करना, an eternity later, तो मुझे 57 कुछ की एक रिंग पड़ी, जो कि काफी अच्छी है, जो कि कभी वो भी नहीं होगी, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी, और काफी अच्छी क्वालिटी की भी है, काफी अच्छी ट्रेंडी, मतलब सब कुछ है इसमें है, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा है ये। सो या इतनी ही आइटम्स थी, इतनी तो नहीं थी, बस यही आइटम्स थी मेरे पास, और ज्वेलरी में भी इतनी थी और क्लोथिंग में भी इतनी थी। सो मैं हर चीज़ के आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप परचेज कर सकते हो, हर चीज़ के तो नहीं, सो आप चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड अ लिटिल बिट, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे, बाय बाय, लव यू।